गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है दोस्त। बीच में ना ढेर सारी प्रोग्राम था तो इसीलिए थोड़ा बिजी हो गए थे। 15 अगस्त था, फिर टीचर डे था, फिर वर्ल्ड टीचर डे था, फिर हम लोग का स्कूल का हम लोग का दो साल हो गया 2 अक्टूबर को ही, तो उस दिन हम लोग गांधी जयंती भी मनाए और स्कूल का भी प्रोग्राम किए, तो ढेर सारे प्रोग्राम ही थे, इसीलिए बीच में मौका नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो आज से मैं स्टार्टअप किया हूँ। और दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे दोस्त सपोर्ट कीजिए। मैं ढेर सारी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ढेर से ज़्यादा बातें सिखाऊँ और मैं खुद भी सीखूँ। दोस्त, आज एक छोटा सा बात कहना था कि काफ़ी लोगों से मैं सुनता आ रहा हूँ और मैं चाहा कि और मैं 2-4 लोगों को और बताऊँ कि ये जो मैसेज मैं देने जा रहा हूँ अभी, एक छोटा सा बातें है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मेरे दोस्त, मुझे कहना यही है ना कि आज के डेट में ना आपको अपने जो आपका उम्र है, आपका जो उम्र है, उस उम्र से आपको थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोगों से आपको थोड़ा सा दोस्ती करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका मान लेते हैं आपका एज 18-20 है और आप 18 और 20 के ही एज वाले से आप दोस्ती का अगर करते हैं और अगर दोस्ती रखते हैं, तो क्या होता है ना, उस माहौल में, उस दोस्ती में ना आपका बात क्या होगा कि वो फिल्म देखी, आज ये गेम खेल रहे हैं, आज ये लो, मतलब कि एक होता है ना कि एज के हिसाब से जो दोस्ती रखते हैं ना, तो आपको कुछ सक्सेस के बारे में, आपका ज़िंदगी में ड्रीम क्या है, कैसे अचीवमेंट होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, एक अचीवमेंट, मतलब उस तरह बातें नहीं हो पाएगा आपके बीच में। अगर जिस तरह आपका एज है उसी एज के हिसाब से अगर दोस्ती करते हैं, तो आपको वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा और ना आपको कुछ एक बड़ा कुछ करने को ज़िंदगी मिलेगा कि हमको ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर आपका जो उम्र है 21 है 20 है 22 है, जो भी है 18 है, अगर उस उम्र आपका जो उम्र है उस उम्र से कम आप 4 से 5 साल अगर बड़े लोगों से आप दोस्ती रखते हैं ना, तो आपको ये सजेशन मिलेगा कि बाबू ये मत करो, भाई ये मत करो, ये करो, ये करने से ये अच्छा रहेगा। दोस्त, एक यही छोटा सा मैसेज है कि आपका जो उम्र है उस उम्र से 5 साल, कम से कम 4 साल 5 साल के बड़े लोगों से आप दोस्ती कीजिए। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ढेर सारे आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको अपने सीमेंट के बारे में मिलेगा। और एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती रखिए जो वाकई में अपने लाइफ में कहीं कुछ करने के लिए एकदम डटा हुआ, अपने ज़िंदगी में खड़ा है, अपने लाइफ में मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, बहुत सारे ढेर सारी अचीवमेंट्स, गोल के बारे में वो अपने बारे में ज़िंदगी में सोच रहा है। तो दोस्त, आपको ढेर सारी सक्सेस की जो लाइन में कतार में खड़ा है, जो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, उसके साथ दोस्ती ना करें। आपको दोस्ती उसी लोगों से करना है जो ज़िंदगी में पढ़ लिख के कुछ कर रहा है, बड़ा कर रहा है, कुछ अपने बारे में सोच रहा है। तो उसी तरह लोगों से दोस्ती कीजिएगा, तो आपको ढेर सारे सीखने को मिलेगा और आपको भी एक सीख मिलेगा कि हमको भी उसके तरफ बनना है। वो लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किया, तो उनसे आप दोस्ती कीजिए, सीखिए। और ढेर सारी इस चैनल में आप जुड़े रहें, आपको ढेर सारी आपको जानकारी मिलेगी, ढेर सारी एजुकेशन मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं इस चैनल में जुड़े हैं, तो आपको मैं अपने को तो तरफ से कोशिश करूँ कि ढेर सारी आपको बहुत सारी बातें सिखाऊँ और सीखूँ भी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वीडियो बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।